भी नहीं। साइज तो सही है बेटा, ये सॉक्स उतार के भी देखती और दूसरा भी डाल के देखो, चल के, हाँ चल के देखो थोड़ा, पसंद आए तो बताना, कंफर्ट लगे तो। आपको ना पीछे प्लेन रखना चाहिए था, ये चीज प्लेन रखते ना तो अच्छे से दिखाई देती है सारी। नहीं दीदी मेरी बात ना, इधर पीछे की दीवार, पुराना मकान है ना, दीवार खराब है। अच्छा, इतना भी मोटा रहेगा ना, पानी स्लिप करता है ना, इसलिए आप ये लगाए हैं और इस पे फिर टांगे, ये अच्छा है तरीका, अच्छा है। आपका क्या चैनल का नाम है? लिमिटलेस फैशन। लिमिटलेस फैशन, फैशन। ये वाला नहीं है, सिंपल जोड़ लगाने वाला जो रखती है। मेरी तो अब 100 साल पुरानी है, पता है? हाँ, हम आए हैं एक दो बार आपसे कुछ लेने। हम 4th generation लिया, चौथी जनरेशन। भैया वो कैंसिल कर लो, जब भैया बता रहे हैं दोबारा बोलिए भैया। हम इस दुकान पे चौथी जनरेशन है, मेरी दुकान 100 साल पुरानी है। ये लकड़ी का दरवाजा पता है, ये 100 साल पुराना ही है। मैं हुआ करता था ऐसा ही देखता, ग्रीन कलर। ये साखू की लकड़ी है, अभी तो कोई बनवा नहीं सकता है, खराब भी नहीं होती। खराब भी नहीं होती, तो कहावत है ना कि 100 साल बड़ा 100 साल गिरा। हाँ, सही कह रहे हैं। देखो ये बेटी, अच्छा लगा? हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो क्या जो देना है वकील साहब को ना। हाँ, ये अच्छा। तो सारी फैसिलिटी अगर मन हो तो आप कर सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा। ये वाला ठाकुर प्रसाद का, वो भी किसी का ही है। ईश्वर से फर्क क्या है? कलर का, अंदर से तो वो भी ऐसा ही है शायद। नहीं, एक पहला ही पेज होता है कलर्ड खाली। अच्छा वो सारा है नहीं, फिर ये वाला ठीक है। देखो कूड़ा को हमारी स्कूटी उधर है। अच्छा वो तो पीछे ही रहेगी। मैं ऐसे किसी को डांटती नहीं हूँ बेटा, तुम्हें डांटना मेरा नहीं, तुम्हें डांटना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो भी गलती पे, बिना गलती के नहीं। गलती माफ होती है, बच्चों की गलती। आराम आराम से दीजिएगा। Oh, my God.
बैठो, मैं जरा दवाई ले आती हूँ। आप तो कहीं और के लिए कह रहे थे हाथ दिलाने को दवाई। हनुमान जी बोलो।
मुझे मतलब से लेकर आते हो। अरे आने दो बेटा, आओ बीचों बीच खड़ी हो रही है। किधर से आ रहे हो? शीशे में से? हाँ थोड़ा सा ऐसे रखोगी ना तो तुम भी दिख जाओ। मुझे अपने आपको दिखाना नहीं ना। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हो? अच्छी तो मैं हूँ ही। अरे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें शूट करना सिखा रहा हूँ। रुक जाओ, देखो बहुत जल्दी आ जाता है। लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई, इसलिए ऐसा हो रहा था। नहीं, दिल्ली की मेट्रो। काम नहीं करना पड़ता, मैं कोई जरूरत नहीं होती वहाँ की ट्रेन में। क्या हमें नहीं पता था? जो पता है उसको लेकिन पता है, लेकिन उनको पता है लेकिन हमें नहीं पता। पता क्या हो रहा था पता नहीं मुझे। अरे उसको लगा। हाँ उन्हें पता था, लगा नहीं था कि जैसे हमें नहीं पता। अच्छा उन्हें पता था कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता था उनकी, उन्हें नहीं पता था। हमें पता था, पता था नहीं होता। उन्हें नहीं पता था कि हमें पता, लेकिन हमें पता था कि हमें पता है। उनको पता होना चाहिए था कि हमें पता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि उन्हें पता ही बताया। शायरी बना के थक गई मैं। तुम्हें बेटा हर बार समझ बताना पड़ता है। समझो, समझना ही समझे। हर बार बताना पड़ता है कि सामान टेबल पे रखा करो, सोफा सामान रखने के लिए नहीं होता है। मुझे डांट रहे। हाँ कभी कभी डांटना भी नेसेसरी होता है। मेरे साथ खाने का आइटम होता है, कुछ चीजें होती है उठा के सोफे पे रख देती हो। मेरे दोस्त कहेंगे अर्षिता की मम्मी स्ट्रिक्ट है, डांटती है। वहाँ पे कह रही थी कि मैं नहीं डांटती। हाँ तो मैंने ये कहा है कि मैं बिना बात के नहीं डांटती। डांटती हूँ? नहीं डांटती, नहीं मैं डांटती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट बिना बात के नहीं डांटती। सो कोई बात नहीं। पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी हम स्कूटी पे आ रहे थे ना, तो काफ़ी ठंड थी, और एक भैया जो थे ना बाइक इतनी स्पीड में लेके गए कि उनका कुछ सामान ना गिर गया रास्ते में। और जैसे ही वो सामान गिरा, अच्छे से होल्ड करो हर्षिता, जैसे उनका सामान गिरा ना तो हमें लगा कि वो मिल जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका टिफिन था उसमें, वो पूरा बैग ही गिर गया था। तो मैं मस्ती करती रहती हूँ, आप लोग जानते हैं थोड़ी सी मस्त मौला टाइप की हूँ, मैं सीरियस भी बहुत हूँ वैसे ना। तो मैं वहाँ से ना ऐसी मस्ती मस्ती में आवाज़ लगाई, हर्षिता पीछे बैठी थी कि ताकि हम लोग हंसे। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपका सामान गिर गया। और वो तब तक तो वो इतनी स्पीड में था, उनकी तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह वो छूट चुकी थी बाइक, बहुत दूर तक जा चुकी थी। तो बगल में से एक और भैया बाइक लेके जा रहे हो, कह रहे अरे मतलब वो डर लगा ना कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, जबकि मैं मस्ती ही कर रही थी। मुझे पता था कि वो इतनी दूर चले गए उन तक मेरी आवाज़ नहीं जाने वाली है, बट मैं तब भी इंजॉय कर रही थी। और लेकिन मुझे क्या लगता है कि क्या हुआ था वहाँ पर, हमसे आगे थे वो निकल लिए थे, तो आप बोले भाई साहब, तो वो पीछे मुड़ के देखे, उन्हें लगा मुझे क्यों बोल रही है। फिर उसके बाद आप नहीं नहीं आपको नहीं, तो बस नहीं था। अरे ऐसे छोटे छोटे ना मस्ती लाइफ में करती रहे थे। कहते एक कहावत है पता नहीं क्या, कि जब तक मस्ती जिंदा है तब तक इंसान की हस्ती जिंदा है। तो मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।